यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। ऐसे समय जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 3 वर्षों के उच्चतम स्तर पर हैं और घरेलू बाजार में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, तब पीएम नरेंद्र मोदी ने तेल उत्पादक देशों से आग्रह किया है कि वो इनकी कीमत तय करने में समझदारी दिखाएं। बुधवार को ऊर्जा क्षेत्र के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल एनर्जी फोरम 16 का उद्घाटन करते हुए मोदी ने कहा कि अगर समाज के सभी वर्ग को किफायती दरों पर ऊर्जा नहीं उपलब्ध कराई गई तो तेल उत्पादक देशों का ही घाटा होगा। मोदी जब ये बात कह रहे थे तब उनके आसपास ओपेक के महत्वपूर्ण सदस्य सऊदी अरब, ईरान, नाइजीरिया, कतर के मंत्री बैठे थे। ये भी याद दिला दिया कि अगले 25 वर्षों तक भारत में ऊर्जा की मांग में सालाना 4.2% की बढ़ोतरी होगी जो विश्व में और कहीं नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बार फिर साफ किया कि चीफ जस्टिस को पीठों के गठन करने का विशिष्ट अधिकार है। शीर्ष अदालत ने कहा कि संविधान के तहत चीफ जस्टिस को संस्थान में प्रमुखता मिली हुई है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने बुधवार को एक फैसले में कहा है कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत भारत के प्रधान न्यायाधीश को वरीयता मिली है। प्रधान न्यायाधीश की अथॉरिटी संविधान में निहित है और ऐसा इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट प्रभावी तरीके से अपने काम को अंजाम दे सके। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा लिखे गए इस फैसले में भारत के प्रधान न्यायाधीश पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं है। फैसले में कहा गया है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश के ऑफिस के संवैधानिक प्रावधानों के तहत संरक्षण मिला हुआ है। ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्रभावी तरीके से अंजाम देने के लिए मिला हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच अब फास्ट वॉर शुरू हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के राजघाट पर उपवास रखने के बाद बीजेपी के सांसदों ने उपवास रखा। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी कार्यकर्ताओं के साथ पटना में उपवास पर बैठे हैं। खास बात यह है कि विपक्ष के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपवास रख रहे हैं। पीएम के साथ शीर्ष भाजपा नेता और कई केंद्रीय मंत्री उपवास रख रहे हैं। साथ ही देश भर में पार्टी नेता और कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हो रहे हैं। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव पर बेनामी संपत्ति को लेकर निशाना साधा है। सुशील मोदी ने कहा कि कल तक चार्जशीट दाखिल करने की चुनौती देने वाले तेजस्वी यादव सीबीआई की पूछताछ के बाद तिलमिला गए हैं। पटना की 3 एकड़ जमीन मामले में सुशील ने तेजस्वी से पूछा सवाल और साथ ही यहां सवाल पूछते हुए कहा कि तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी केवल इतना बता दें कि मात्र 64 लाख रुपए की पूंजी लगाकर पटना की 3 एकड़ जमीन के मालिक कैसे बन गए। सुशील मोदी ने दावा करते हुए कहा कि तेजस्वी अगर बिहार की जनता को केवल ये बता देते हैं कि 28 साल की उम्र में बिना किसी नौकरी व्यवसाय के 750 करोड़ के मॉल के मालिक कैसे बन गए तो उन्हें उप मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं गंवानी पड़ती। पटना की 3 एकड़ जमीन पर इस मॉल का निर्माण हो रहा था। बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग में 10 अधिकारियों और कर्मचारियों को सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। हर बार कैबिनेट मीटिंग में 2 से 6 तक कर्मचारियों को पुनर्नियुक्तियां और सेवा विस्तार प्रदान किए जाते हैं। रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों पर पूर्व हुड्डा सरकार खूब मेहरबान रही। उस समय बीजेपी नेताओं ने पूर्व हुड्डा सरकार के इस निर्णय की कड़ी आलोचना करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा और लेकिन अब खुद भी सरकार इसी राह पर चल रही है और मंत्रिमंडल इसे बिना सोच मंजूरी दे रहा है। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने अपने आवास पर 5 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक की। बैठक में सीएम ने कार्यकर्ताओं के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में शामिल होने वाले 5 जिले झज्जर, जींद, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद और कुरुक्षेत्र से कार्यकर्ता सीएम से मिलने के लिए गए थे।
बैठक में सीएम कार्यकर्ताओं से सरकार के कामकाज का फीडबैक सीएम ने लिया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक अजय गौतम ने पिहुवा किसान विश्राम गृह में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जहां उन्होंने बताया कि हर विधानसभा में जाकर सभी संगठन मंत्री से मिलकर पार्टी के विस्तार के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने कहा कि पिहुवा से एसएस बोर्ड के चेयरमैन भारत भूषण भारती गलत तरीके से बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। जो लोग उनके कार्यालय से पकड़े गए हैं वो तो सिर्फ छोटी मछलियाँ हैं, लेकिन असल में बड़े मगरमच्छ तो भारत भूषण खुद है। नौकरी में हो रही धांधली के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आहार सीएम आवास या कार्यालय की जांच की जाए तो सीएम इसमें खुद मिले हुए हैं। अजय गौतम ने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में इनको खुद पता चल जाएगा कि जनता इनको कितना चाहती है। रेवाड़ी में दलित के भारत बंद को लेकर बीजेपी की पूर्व सांसद डॉक्टर सुधा यादव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने हिंसक प्रदर्शन की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि मांगों को लेकर प्रदर्शन करना जायज है, लेकिन हिंसक प्रदर्शन किसी सूरत में उचित नहीं है। डॉक्टर सुधा यादव ने कहा कि जहां तक 2 अप्रैल को हुए दलित आंदोलन का सवाल है तो वो सरासर गलत हुआ है। इस मामले की जांच चल रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। वो रेवाड़ी में ज्योति फुले के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी। उन्होंने कहा कि ज्योति फुले ने सामाजिक समरसता का जो संदेश दिया था उसे आज समाज में फैलाए जाने की जरूरत है। वहीं फरीदाबाद के पौशुरिया सेक्टर 15 में डॉक्टर दंपत्ति द्वारा चलाए जा रहे जीवन ज्योति हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग को इस अस्पताल में लिंग जांच की जानकारी मिली थी। बताया जा रहा है कि सेक्टर 15 में यह हॉस्पिटल पिछले 30 साल से चल रहा है। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग की टीम पुलिस के साथ लिंग जांच की सूचना मिलने के बाद अस्पताल पहुंची और मौके पर मिले दस्तावेजों के आधार पर कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर अल्ट्रासाउंड मशीन को सील कर दिया। वहीं अस्पताल की संचालक डॉक्टर रीना जैन का कहना है कि उन्होंने जीवन में कभी लिंग जांच जैसा काम नहीं किया। उन्हें नहीं पता कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्यों उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। प्रदेश सरकार द्वारा मंडियों में सरसों की खरीद शुरू किए जाने के बावजूद किसान संगठन कड़ा रुख अख्तियार कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाथों में कागज लिए किसान सभा के बैनर तले खड़े ये लोग किसान हैं, जो कि अपना ज्ञापन पत्र अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए आए हैं। शेड्यूल के मुताबिक खरीद न होने की वजह से किसानों में रोष है। किसानों का कहना है कि सरकार ने मंडियों में सरसों की खरीदारी तो शुरू कर दी है, लेकिन मंडियों में सरसों सही तरीके से नहीं खरीदा जा रहा। संगठन का कहना है कि सरकार शेड्यूल के मुताबिक सरकार सरसों की खरीद करवाए, नहीं तो आंदोलन का बिगुल बजा दिया जाएगा। झज्जर जिले के बादली सब डिवीजन मुख्यालय से होकर गुजर रही एनसीआर माइनर से बुधवार को घटित हुई 2 अलग अलग घटनाओं में एक किशोरी सहित 2 की मौत हो गई है। मृतका गांव माजरी की रहने वाली थी, जो कि पानी पीने के लिए माइनर में उतरी और पैर फिसलने पर माइनर में डूब गई। तो वहीं अपने दोस्तों के साथ माइनर में नहाने के लिए उतरा दीपक मुंडका दिल्ली निवासी बताया जा रहा है। दीपक के शव को गोताखोरों की मदद से घटना के करीब 2 घंटे बाद माइनर से निकाला गया। शोर सुनकर वहां से गुजर रहे लोगों ने गहन प्रयासों से मृतक के अन्य साथियों को तो बचा लिया, लेकिन दीपक पानी में बह गया। सूचना मिलते ही बादली के एसडीएम तहसीलदार चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे और घटना स्थल पर गोताखोर को बुलवाकर दीपक की तलाश शुरू कर दी। 2 घंटे के बाद गोताखोर ने दीपक के शव को माइनर से बाहर निकलवाया।
घटना की जानकारी पुलिस ने परिजनों को दी। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के सामान्य अस्पताल में भिजवा दिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। अप्रैल को डीआरएम कॉम्प्लेक्स के निर्माणाधीन स्विमिंग पूल में डूबकर मरे बच्चों के परिजनों ने रेलवे के जीएम विश्वेश्वर चौबे से इंसाफ की गुहार लगाई है। वार्ड पार्षद ने जीएम को एक ज्ञापन देकर बच्चों के परिजनों के लिए मुआवजा या नौकरी देने की अपील की। वहीं जीएम ने लोगों को ढांढस बंधाते हुए मामले में ठोस कार्रवाई का भरोसा दिया है। वार्ड पार्षद चित्रा ने जीएम को ज्ञापन देकर हादसे के लिए जिम्मेदार लापरवाह लोगों पर रेलवे की ओर से कार्रवाई की मांग की है। चित्रा ने कहा कि हादसा लापरवाही की वजह से हुआ है, जिस वजह से डीआरएम पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। तेरह अप्रैल को हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर पांवटा साहिब दौरे पर रहेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि सीएम का ये दौरा ऐतिहासिक रहेगा। अपने दौरे के दौरान सीएम पांवटा साहिब की जनता को करोड़ों की सौगातें देंगे और इस बात की जानकारी पांवटा के विधायक सुखराम चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए दी। सुखराम चौधरी ने बताया कि सीएम सभी कार्यक्रमों की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अपने इस पांवटा विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान करीब 15 करोड़ की लागत से बने पुल सहित कई अन्य करोड़ों की सौगातें देकर जाएंगे। सुखराम चौधरी ने कहा कि सीएम का सारा रूट प्लान और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। उन्होंने जनता से अपील की है कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में होने जा रहे पहले दौरे और रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इस रैली में करीब 10,000 कार्यकर्ता जुटेंगे। इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने केवल प्रदेश में केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। नूरपुर में हुए बस हादसे के शिकार बच्चों की खबर एक दैनिक पेपर में छपने पर वो नूरपुर विधायक तल्ख नजर आए हैं। इसे लेकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया, जिसमें सीएम नूरपुर भी उपस्थित रहे। दरअसल एक दैनिक पेपर में छपी इस हादसे के बारे में जानकारी को लेकर वो काफी निराश नजर आए। उन्होंने कहा कि यह हादसा नूरपुर के एक काला अध्याय था, जिससे उभरने के लिए लंबा वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया। उन्होंने पत्रकार की पत्रकारिता को एक धब्बा बताया, जिसने झूठ का पुलिंदा बनाकर एक मनगढ़ंत कहानी का रूप दिया। साथ ही सही जानकारी देते हुए कहा कि सभी मृतकों का पोस्टमार्टम सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ, जो कि 10:30 बजे खत्म हुआ, क्योंकि सूरज ढलने के बाद पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कल विधानसभा में उक्त समाचार पत्र के खिलाफ सदन में मामला उठाया जाएगा और कठोर कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। बीते सोमवार को नूरपुर में हुए स्कूल बस हादसे ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। बच्चों के साथ ऐसे हादसे दोबारा ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए जिला कांगड़ा पुलिस मुस्तैद हो गई है, जिसके चलते पुलिस ने जिला कांगड़ा के अंतर्गत आने वाले ज्वाली, फतेहपुर और जसूर में जगह जगह नाके लगाकर स्कूल बसों को चेक किया। इस दौरान पुलिस ने करीब 26 वाहनों के चालान काटे, जिनमें अधिकांश स्कूल बसों के चालान काटे गए। चेकिंग के दौरान कई स्कूल बसों में खामियां पाई गई हैं, जिनमें एक स्कूल की बस में तो कोई भी कागज नहीं पाया गया और चालक का लाइसेंस भी एक्सपायर हो चुका था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। तो वहीं फतेहपुर में भी एक निजी स्कूल की बस को पुलिस ने कब्जे में लिया है, जिसके ना तो कागज थे और ना ही स्कूल वैन पर स्कूल का नाम था, जिसके चलते पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया। इस मौके पर पुलिस ने स्कूल बस में बैठे बच्चों को जानकारी देते हुए कहा कि जब भी आपकी बस का ड्राइवर तेज रफ्तार से बस चलाए, तो इसकी शिकायत पुलिस स्टाफ, पुलिस और अभिभावकों से करें, ताकि दुर्घटना होने से बचाई जा सके।
नूरपुर में हुए निजी स्कूल बस हादसे के बाद हिमाचल शिक्षा विभाग नींद से जाग गया है। शिक्षा विभाग ने अब निजी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर नसीहतें दी हैं। विभाग ने प्रदेश के सभी निजी स्कूल प्रबंधकों को छात्रों को घर से लाने और छोड़ने के लिए एहतियात बरतने को कहा है। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को ये भी सुनिश्चित करने को कहा है कि जो बस ड्राइवर स्कूल बसों में नियुक्ति किया जाए वो पूरी तरह से प्रशिक्षित हो और बस चलाने का अनुभव हो। एक महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार केंद्र और प्रदेश सरकार के प्रयासों से नाइजीरिया में बंधक बनाए गए तीनों युवाओं को रिहा करवा लिया गया है। ये जानकारी स्वयं केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्विटर के माध्यम से दी। नाइजीरिया में बंधक बनाए गए लोगों ने नगरोटा सूर्या के सुशील, नगरोटा बगवा के पंकज और पालमपुर के मलोग के अजय शामिल थे। युवकों की रिहाई के बाद मलोग स्थित अजय के परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। बता दें कि सुशील कुमार के अलावा पालमपुर के अजय कुमार और नगरोटा बगवा के पंकज कुमार डंबिंगज झलय में तैनात थे। इन तीनों को नाइजीरिया में समुद्री लुटेरों ने जहाज समेत 31 जनवरी को बंधक बना लिया था। लुटेरों ने 12 मार्च को सैटेलाइट फोन से सुशील धीमान के परिजनों को इस संबंध में जानकारी देकर 22 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। इसके बाद 28 मार्च को फोन पर लुटेरों ने धमकी भी दी थी, जिसके बाद परिजनों की मांग पर विदेश मंत्रालय और सीएम जयराम ठाकुर ने भरसक प्रयास किए। उधर बंधकों की रिहाई पर परिजनों में खुशी की लहर है और उन्होंने इसके लिए सरकार और विदेश मंत्रालय का धन्यवाद किया है। विश्व के मानचित्र पर उभरे हिमाचल प्रदेश के उद्योगों में निर्मित दवाओं के सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के ताजा तरीन जारी ड्रग अलर्ट में देश भर की 42 दवाओं में से हिमाचल प्रदेश के उद्योगों में बनने वाली 16 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। इनमें से औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन कांगड़ा और पौंटा साहिब की कंपनियों के सैंपल फेल हुए हैं। सीडीएससीओ की ओर से जारी ताजा अलर्ट के बाद दवा नियंत्रक बद्दी नवनीत मारवाहा ने हिमाचल की फार्मा कंपनियों को नोटिस जारी कर पूरा बैच बाजार से हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं और सख्त कार्रवाई की बात कही है। सलूड़ी के गांव कैथली में लोगों को मूलभूत सुविधाएं न होने के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने सरकार के खिलाफ क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि विधायक जब चुनाव आते हैं तो वायदे कर जाते हैं, लेकिन मंत्री बन जाने के बाद अपने वायदों को भूल जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कैंथली गांव में पिछले कई सालों से गांव का मुख्य रास्ता जैसा था वैसा ही है। आज तक इस रास्ते को किसी ने भी नहीं बनवाया। बारिश के दौरान लोगों को यहां बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव वालों ने प्रशासन और सरकार से विकास की गुहार लगाई है। पौंटा साहिब में बीती रात बाइक की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। रात करीब 9 बजे देहरादून चंडीगढ़ NH7 परमाजरा थाने के अंतर्गत ग्राम मिश्रवाला के समीप तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार ने ग्राहकी को जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में ट्रक चालक राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। कोलावाला भूड़ निवासी 46 वर्षीय साबर अली के रूप में शिनाख्त हुई है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सामान्य अस्पताल रेफर कर दिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उन्नाव के अंग्रेज मामले में पीड़िता की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद बीजेपी के विधायक कुलदीप सेंगर ने रात 11 बजे सैकड़ों गुर्गों के साथ SSP दफ्तर सरेंडर करने पहुंचे। इस मौके पर विधायक को ना तो लखनऊ SSP मिलने के लिए मौजूद रहे, उल्टे हजरतगंज पुलिस ने विधायक को बैरंग वापस भेज दिया। वहीं जब मीडिया ने विधायक से बात करने की कोशिश की तो विधायक के गुर्गों ने मीडिया के साथ भी बदसलूकी की। इस बदसलूकी के समय पुलिस मौन होकर देखती रही। जब मीडिया ने विरोध किया तो हजरतगंज कोतवाली
प्रभारी आनंद शाही खुद विधायक के गुर्गों को रोकने के बजाय मीडिया से उलझने लगे। उन्नाव दुष्कर्म मामले में बैरिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने जहां बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का बचाव करते हुए दिखाई दिए, तो वहीं यहां वो विवादित बयान देते हुए भी नजर आए हैं। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि जिस समय ये घटना हुई उस समय बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा कि वो मारपीट के मामले को मान सकते हैं, लेकिन क्या ये हो सकता है कि जिस लड़की के पिता को किसी ने मारा पीटा हो, क्या उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म कर सकता है? सुरेंद्र सिंह ने यहां बीजेपी विधायक को फंसाने का आरोप लगाया है। साथ ही विवादित बयान देते हुए कहा कि लगता है कि महिला उत्पीड़न और हरिजन उत्पीड़न के नाम पर पूरा समाज उत्पीड़ित हो जाएगा। रेप की घटना को प्रायोजित बताते हुए कहा कि मनोवैज्ञानिक आधार पर कह सकता हूं कि कोई भी 3-4 बच्चों की मां से दुष्कर्म नहीं कर सकता। 2 दिन पहले जिसके पिता की पिटाई हुई हो उसकी बेटी के साथ रेप कोई कैसे कर सकता है? धारा 324-325 में आसानी से बेल मिल जाती है, इसलिए महिला उत्पीड़न का आरोप लगाया गया ताकि बेल न मिल सके।